सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए गेमिंग और फोटोग्राफी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट आइडिया है, उस फर्स्ट आइडिया के लिए हमें चाहिए होगी एक रिंग, एक थोड़ी बहुत मोटी बुक, अच्छी खासी जो 200-300 पेज होने चाहिए एटलीस्ट, और हमारा फ़ोन फ़ोटो खींचने के लिए। बस इन तीन चीज़ों से ही हम एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव फ़ोटो खींच सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटो कैसे खींचें। तो यहाँ पे हमें फ़ोटो खींचने के लिए पहले एक बैकग्राउंड में एक लाइट चाहिए होगी, जो कि हमारा हार्ट का रिफ्लेक्शन बनाएगी बुक के एकदम सेंटर पे, और उस लाइट को थोड़ा सा अपलिफ्टेड रखना पड़ेगा ताकि वो हार्ट की शेप बहुत शेप से आए। उसके बाद हम फ़ोटो खींच लेंगे। मैं आपको 2-3 वेरिएंट्स दिखाऊंगा। तो जो मैं सबसे पहले दिखा रहा हूँ वो है जूम, फिर है नॉर्मल, और फिर है वाइड एंगल पे। तो दोस्तों, जो सेकेंड आइडिया है, उस आइडिया के लिए आपको आपकी एक हैंड की फ़ोटो खींचनी है बिल्कुल फोकस्ड, और जिसमें बैकग्राउंड ब्लैक हो। और उस फ़ोटो खींचने के बाद मैं आपको अभी दिखाता हूँ हमारी स्क्रीन शेयर करके कि कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये एडिट आइडिया परफॉर्म करने के लिए चाहिए होगी मून की फ़ोटो या फिर अर्थ की फ़ोटो। आपको स्नैपसीड ऐप खोलना है और स्नैपसीड ऐप में जाकर डबल एक्सपोजर में मून की फ़ोटो या अर्थ की फ़ोटो, जो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, उस चूज़ करने के बाद अब आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके कि कैसे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद हम ओपेसिटी फुल कर देंगे इसकी। तो ओपेसिटी फुल करने के बाद हम जाएंगे व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन में और ब्रश टूल का इस्तेमाल करके मून को यहाँ पे एकदम से प्रिंट कर देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हमने बहुत ही सिंपल वे में, और सिर्फ हमारे कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने फ़ोन से भी खींच सकते हैं। और आपको चाहिए होगा स्नैपसीड ऐप, वहाँ पर जाकर डबल एक्सपोजर में आपने देखी इतनी क्रिएटिव फ़ोटो खींच ली है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि मैंने दोनों फ़ोटो खींची है, अर्थ के साथ भी और मून के साथ भी। फिलहाल मैंने आपको अब मून के साथ दिखाई है। तो अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, और अगर आप ये यूज़ करते हैं ये ट्रिक अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो प्लीज़ मेरा हैशटैग डालना। मेरा हैशटैग है सार्थक टनल फोटोग्राफी।